भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए हैदराबाद टेस्ट मैच में एक समय ऐसा आया जब भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया। उस वक्त मैच को एक तरफा होने की वजह से दर्शक काफी शांत दिख रहे थे। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने दर्शकों में जोश भरने की कोशिश की। कोहली ने इशारा करते हुए दर्शकों से शोर मचाने को कहा ताकि उनके गेंदबाजों का उत्साह बरकरार रहे। भारत की शानदार गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज की दूसरी पारी महज 127 रनों पर ही सिमट गई। इस मैच में मेहमान टीम ने पहली पारी में 101.4 ओवरों में 311 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने पहली पारी में 106.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 367 रन बनाए थे। भारत ने पहली पारी के आधार पर मेहमान टीम पर 56 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के 127 रनों पर सिमटने के बाद भारत को जीत के लिए 72 रनों का आसान लक्ष्य मिला। टीम इंडिया ने 16.1 ओवरों में पृथ्वी शॉ और केएल राहुल की पारियों की बदौलत बिना कोई विकेट गंवाए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हैदराबाद टेस्ट में जीत के साथ ही भारत ने दो मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया और वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर दिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।